राष्ट्रीय पोषण माह जिसके अंतर्गत गर्भवती धात्री और युवतियों के साथ ही 5 साल से कम बच्चों के पोषण पर विशेष ध्यान देने के लिए यह माह चलाया जाता है, जिसके अंतर्गत बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के द्वारा कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। इन्हीं कार्यक्रमों में गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कार्यक्रम भी शामिल है, जिसमें विभाग की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा पारंपरिक तरीके से गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कार्यक्रम करती नजर आ रही हैं, जिसमें वह मंगल गीत व सोहर आदि गीते भी गाती नजर आ रही हैं। इसको लेकर जिला कार्यक्रम अधिकारी ने क्या गोद भराई अनुप्राशन का हमारे विभाग द्वारा प्राप्त कराया गया था कि ये पोषण माह के अंतर्गत कराया जाए, तो उसके अंतर्गत हमारे जो 4127 केंद्रों के सापेक्ष 3857 केंद्रों पर गोद भराई अनुप्राशन कार्यक्रम हुआ है। इस तरह गोद भराई कराने का सर उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि ये गोद भराई में जो हम लोग अपनी गर्भवती माता को जो सामान देते हैं टोकरी में, पोषण टोकरी में, उसमें ये मैसेज दिया जाता है कि ये माता जो है ये नियमित रूप से इसका सेवन करें, ज़्यादा से ज़्यादा वो पौष्टिक आहार खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 बार भोजन करें ये, और आयरन की गोली दी जाती है स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से। तो ये गोद भराई का है। और अन्नप्राशन इसलिए कराया जाता है कि अन्नप्राशन में 6 माह का जब बच्चा हो जाए तो उस दिन से जो माताएं स्तनपान कराती हैं 6 माह रेगुलर स्तनपान, उनको हम लोग गोद भरा अन्नप्राशन कराते हैं। और अन्नप्राशन के माध्यम से ये उनको आगे के बताते हैं कि बच्चे को अब आप अन्न के साथ जोड़ें और उसको उसको थोड़ा थोड़ा खाना जो उसके मानक के अनुसार हो।